राग नाद शब्द सोहणे जा लागै सहज ध्यान। चढ़दी कला टाइम टीवी वेख रहे समूह दर्शकों का हरप्रीत सिंह दर्दी वालों खास मुलाकात प्रोग्राम दे विच निघा स्वागत है। धन गुरु नानक साहब ने जगत जनंदे की पुकार ते धरती की पुकार ते इस धरती का जो चक्कर कटिया तो समुची लुकाई नूं ठंड पाउण लई कीर्तन की दात बख्शिश की, चाहे वह किसी वर्ण जात धर्म तो जुड़िया होवे, पर कीर्तन की दात संगीत की दात की बख्शिश समुची लुकाई नूं दित्ती। सा तरत पई हरियावली जिथे मेरा सतगुर बैठा जाए, सतगुर की बख्शिश सारी धरती ते होई। भाई मरदाना जी भावें मुसलमान सन पर रबाब अपने हथी तैयार करवा के उन्होंने भेंट की, अपने नाल सारी जिंदगी भाई मरदाने नू नाल लैके अपने नाल उदासियां कीतियां। लुकाई नू कीर्तन राही ठंड पाई, जिथे किधरे भी कोई मैसेज देना हुंदा ठंड वरतौनी हुंदी। नाल ही कहंदे भाई मरदानिया रबाब वजा बाणी आई है, वह बाणी का चमत्कार वह बाणी की बख्शिश राही रोगियों के रोग दूर हो जाते, कोड़ियों के कोड़ दूर हो जाते, कोडे राक्षस वर्गे देवते बन जाते, मलक भागो वर्गे साध बन जाते। इतनी बख्शिश सतगुर ने कीर्तन राही की, सिखा नूं कीर्तन की दात मिली, गुरशब्द का आसरा मिलिया। धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहब जी के सरूप के रूप में सानू मनुखता की सेवा करने लई एक ऐसा अनमोल खजाना मिलिया जो असी जिन्ना वंड सकीए वह थोड़ा है, तो जिन्ना उसका लाभ प्राप्त कर सकीए वह घट है। अज असी आप जी नूं इस खास मुलाकात प्रोग्राम के नाल उस शख्सियत नाल मिलान जा रहे हाँ जिन्हें गुरु नानक साहब की वह रबाब तुहानूं गुरु अर्जन साहब अते गुरु हरगोबिंद साहब वालों बख्शे सानू होर तंती साज सरंदा ढड ढाडियां दी सारंगी, इतनियां बख्शिशां जड़ियां मिलियां। धन गुरु गोबिंद सिंह साहब भी जदों कीर्तन करदे सन उदों आनंद लिया दिंदे सन, ते अज उस शख्सियत नाल आप जी नूं मिलान जा रहे हैं जो उही सुनेहा विश्व भर दे विच दुनिया भर दे विच सरबत दे भले दा गुरबाणी संगीत राही दे रहा है। मेरी मुराद है प्रोफेसर सुरिंदर सिंह जी राज अकैडमी यूके तो, जो दुनिया भर के नाम इन्हों का यूके करके मशहूर है, पर यह दुनिया भर के अकैडमिया चला रहे हैं और संसार भर के गुरशब्द के नाल गुरु साहब की जो दित्ती सिक्ख्या है, गुरु साहब की जो दित्ती बख्शिश है, उस नाल तंती साजा दे नाल गुरबाणी दे रागां दे नाल जिथे हीलिंग भी कर रहे हैं, सतगुर के चरणा नाल जिथे लुकाई नूं जोड़ भी रहे हैं, उत्थे सिक्खी का प्रचार भी कर रहे हैं। डॉक्टर साहब इस मंच ते चढ़दी कला टाइम टीवी दे इस मंच ते आउण दा आप जी का बहुत बहुत धन्यवाद ते निघा स्वागत जी। थैंक यू जी। मैं ऑलरेडी बहुत कुछ थोड़े बारे अपने दर्शकों नाल सांझा कर चुका हाँ, पर मैं चाहवांगा तुसी अपने मुखों जिहड़ी तुहाडी जिंदगी की शुरुआत होई पंजाब दे एक शहर तो कपूरथले तो तुसी बिलोंग करदे हो, ते उत्थों दी यूके तक पहुँचण तक का सफ़र, इस संगीत का सफ़र किवें जुड़िया, ते इस दे विच किहड़े किहड़े तुहानूं चैलेंजेस आए वह जरूर तुसी थोड़े शब्दों साढ़े दर्शकों नाल जरूर सांझे करो, उस तो अगे दी आपां फिर गल अगे करांगे। जरूर जरूर। पहलों तो धन्यवाद तुसी मैनूं मौका दिता संगतां नाल रूबरू होण दा। सफ़र मेरा भी आम बच्चों वांगे ही, मैं एक सिख मिडल क्लास फैमिली च पैदा होया, तो फादर साहब इंडियन एयरफोर्स सर्व करते सी, सो ज़्यादा पंजाब च रहना नहीं मिले। मैं
मेरा बर्थ कपूरथले होया सी, पर मेरा जिहड़ा जद्दी पिंड है सिद्धवां, जी मैं 9 साल की उम्र च उत्थे आया अपनी दादी जी दे कोल। जी ते उस माहौल ने वह जी आले दुआले जो कुछ हो रहा है उत्थे मेरे सिखी का एक्चुअली सफ़र जिहड़ा मैं कहना परसनली जो मैं हुण वापस वेखना वा तो मेरे सिखी का सफ़र उत्थे मेरी दादी दी गोद च शुरू होया। जी मंदिर ते गुरुद्वारे का फर्क पता लग्या, जी क्योंकि मैं तो इलाहाबाद तो आया सी, उत्थे कोई इदां दी गिनी भी है गुरुद्वारा मंदिर मस्जिद, तो मैं उस हिसाब नाल दूसरे तीसरे दिन अपने कजनस नूं लै के मंदिर चले गया, तो मैनू सारा कुछ आंदा जिहड़ा मंदिर च करदे ने, आरती आंदी है सब कुछ। तो मेरे कजनस तुहानूं पता है छोटी छोटी उम्रे फिर वो टीज़ करना शुरू किया पंडित जी एंड दिस दैट, तो मैं अपने दादी जी नूं पूछा भी मैनू इन्हें अपसैट क्यों होए मैं मंदिर गया। जी तो उन्होंने मैनू गल्ली बात ही नहीं समझाया, कहिंदे कल नूं चलदे फिर आपां गुरुद्वारा साहब, मैं तैनूं दिखाउण दी एक इतिहासिक गुरुद्वारा पिंड च। तो उन्होंने वो बेरी साहब गुरुद्वारा जिहड़ा मैनू कहिंदे उहदा मैप बना के एक बार लै गया, मैनू कहिंदे हुण इत्थों होर किन्नियां सड़कां जांदियां। जी सो पेपर पेन लै के मैं शुरू हो गया भी आ भी जाती आ भी जाती है। तो शाम ने मैंने पूछा जी प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया, मैं क्या हाँ जी, तो कहते फिर जे मैं तेन हूँ भेजा तो कि रस्ता अपनाएगा, मैं क्या जी आ पर्टिकुलर रस्ता, कहते ये क्यों, कि क्योंकि शॉर्टकट है इतों नेड़े पैदा अपन, कहते देखे पुत्र आपे स्टडी किया ना हूँ तू पता लग गया भी तुम एक मंजिल पर पहुँचना तो रस्ता अपना अपना सारे का वक्रा होंगे। मैं सिख हाँ मैं स्टडी किया, जे मैं हिंदू हाँ तो मैं स्टडी किया, जो मुसलमान हाँ तो स्टडी किया। इस मार्ग से ये जी स्पिरिचुअलिटी है जो डेस्टिनेशन तुम जो बारे गल कर रहे हो वो बिना गुरु के तो पूरा नहीं होंगे। सो उन्होंने विद्या गुरु मेरे जड़े वो इस्टैबलिश किए मैनु गुरमुखी सिखाने लई इस्लाम पढ़ाने लई, ते जड़ी जड़ी पुराण सिमरतियाँ जड़िया गीता ते महाभारत ते रामायण इन्हां बारे ज्ञान देने लई टीचर मैनु आए। तो सिद्धवां विखे रह के महाभारत सिमरतियां दा विज्ञान लिता। हाँ जी हाँ जी वाह जी वाह। अजकल तो स्कूली पढ़ाई नहीं मुकदी तुसी उस वक्त? नहीं स्कूली पढ़ाई मैं थोड़ा जा मेरे तवज्जो हमेशा ही इधरली साइड नूं सी दर्जी साहब के इदा नहीं, मैं कहिंदा अंदर दी भुख दा मैनूं पता नहीं सीगा जी, मैं जस्ट क्यूरियस सीगा थोड़ा। फिर मेरी मुलाकात पिंड दे साडे महंत अजीत सिंह सन उहनां नाल, उह जदों मैं स्कूल तों आउणा ना ते उन्होंने साढ़े डेड़ी है एक साउथ गेट जरा पिंड का, उत्थे डेड़ी दे विच उन्होंने बैठे होना ताउस दे नाल की मैनु नहीं सी पता मोर जा की बजा दे, पर वो जिदा कुछ कर जांदा सी वो जादू जरा वो मेरी जिंदगी नू जिदा मेरे पैर खुद खुद रुक जांदे सी। उत्थे डेड़ी तक पहुंचण लई मैनु काली हुंदी सी ते डेड़ी नंगनी बड़ी मुश्किल हो जांदी सी, घंटा डेढ़ घंटा किते नहीं गया जी, पर उन्होंने मैंने कभी कुछ नहीं बोलिया। प्यार नाल फुलियां पतासियां दा प्रसाद हुंदा सी ते बाकी उन्हां दी आवाज़ दे विच वो कुछ खास ही सी कुछ जी। ते मैं फिर उन्हां कोल हौली हौली बहना शुरू हो गया, फिर उन्होंने मैंने थोड़ियां थोड़ियां वो जदों किसी ने मरीज ने आना उन्हें दवाई दे देनी मैनू फिर दसना शुरू कर दिता, तैनू पता अजवैन दे किहड़े गुण हुंदे ने। अच्छा जी। ते तैनू पता है भी जिहड़ी जिहड़ी छोटी इलायची है तो वड्डी इलायची का की फर्क है, तो मेरा अंदर की जिज्ञासा होर वधदी गई। पर एक दिन पलटा वज्जिया दर्द और निर्मले साधु हो गए। हाँ जी, क्योंकि निर्मले साधुआं ते सतगुरु ने बड़ी बख्शिश की सी, निर्मल पंथ जो गुरु गोबिंद सिंह साहब ने खालसा पंथ दे नाल एक निर्मल पंथ की साजना हाँ जी गुरु गोबिंद सिंह साहब ने की। तो दर्दी साहब मैं मेरे नाल एक दिन मैं बैठा सी घर पाठ कर रहे सी दादी जी, जिहड़ी सिख इतिहास की जां सिख फलसफा उहदी गल मैनूं रोज़ मेरे सौण तों पहलों जिहड़ी बेड टाइम स्टोरी तुसीं कह लो, पर मेरे दादी जी मैनूं कोई ना कोई सिख सफ़ा चों गल बड़े तरीके नाल समझाउंदे सन। ते अज रहिरा साहब दे पाठ शुरू होए ते उहदे विच मैं रोक लिया दादी जी नूं जी, आसा महला पंजवां पई प्राप्त मानुख देहरिया, मैं कहा मैं बाकी दा शब्द समझ लग रहा, आसा दा मतलब की? सवेरे बस फड़ी ते टीचर देखो इनू इनू आसा की हुंदा वो समझाओ।
ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਸੀ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰਾਮਰ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਸੀ ਪਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਕੰਮ ਹੈ ਇਹ ਇਹ ਬੋਲ ਕੇ ਸਮਝਿਆ ਸਮਝਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਹੰਡਾਉਣਾ ਪੈਣਾ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਟੀਚਰ ਪੰਡਿਤ ਖਰੈਤੀ ਲਾਲ ਤਹੀਮ ਮੇਰੇ ਟੀਚਰ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਏਸ਼ੀਅਨਟ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਕੰਟੈਕਸਟ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਨਾਦ ਯੋਗ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਕੈਪੇਬਿਲਿਟੀ ਕਪੈਸਿਟੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਊਂਡ 'ਤੇ ਉਹ ਯੋਗੀ ਬੰਦਾ ਸੀ ਅੱਛਾ ਜੀ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਨਾਲ ਮੈਂ ਬੈਠਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਇਹ ਇਹ ਸਾਇਨਸ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਹ ਇਸ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨੂੰ ਮੈਂ ਹੱਸਣਾ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਆਹ ਜਿਹੜੇ ਡਾਕਟਰ ਹੈ ਬੇਵਕੂਫ ਨੇ ਮੈਂ ਮਨ 'ਚ ਸੋਚਣਾ ਇੱਧਰ ਦੀ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹਾਈ ਚੱਲੀ ਨੋਰਮਲ ਮੈਂ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਡਿਗਰੀ ਕੀਤੀ ਆਪਣੀ ਨੋਰਮਲ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ ਅੱਛਾ ਜੀ ਆਪਣੇ ਟੀਚਰਾਂ ਦੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਮੈਂ ਰੱਜ ਕੇ ਸੇਵਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਬਹੁਤ ਸਿਖਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਜੀ ਪਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਰਵਟ ਮਾਰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਮੈਂ 19 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਸਾਂ ਕੁਛ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੇਰਾ ਸਾਰੇ ਸੁਪਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹ ਐਕਚੁਲੀ ਜੋ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਬਣਨਾ ਸੀ ਉਹ ਸੁਪਨੇ ਹੋ ਗਏ ਜੀ ਕੀ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਬਣਨ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਮੈਂ ਏਅਰਫੋਰਸ ਜਾਣਾ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਇੰਜਰੀ ਹੋ ਗਈ ਸਪਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਡ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਦਾਂ ਕੰਪਲੀਟ ਮੇਰੀ ਬੋਡੀ ਜਿਹੜੀ ਪੈਰਾਲਾਈਜ਼ਡ ਹੋ ਗਈ ਕੰਪਲੀਟ ਹੱਥ ਵੀ ਅਸਾਈਟ ਵੀ ਕੰਨ ਵੀ ਸੁਣਨਾ ਨਹੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਫਿਰ ਬੋਲਚਾਲ ਵੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਕੁਛ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਸਿੱਖਿਆ ਸੀ ਆਪਣੇ ਟੀਚਰ ਤੋਂ ਦ ਯੋਗਿਕ ਐਂਗਲ ਆਫ ਸਾਊਂਡ ਵਾਓ ਯੋਗਿਕ ਐਂਗਲ ਆਫ ਸਾਊਂਡ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਣੀ ਹੈ ਦੁੱਖ ਪਾਪ ਕਾ ਨਾਸ਼ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਅਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ ਸੁਣਦਾ ਹੈ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਤੋਂ ਉਹ ਸਪੀਕਰ ਵੀ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਹੋਸਪਿਟਲ 'ਚ ਪਿਆ ਵੀ ਅਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਤਾਂ ਪੈ ਰਹੀ ਸੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਹੋਸਪਿਟਲ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ 'ਚ ਫਿਰ ਆਰਾਮ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਬਿਲਕੁਲ ਹਾਂਜੀ ਕੀਰਤਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿੰਨਾ ਕਿੰਨਾ ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ ਮੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਰਤਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਮਸਜਿਦ ਵਿੱਚ ਕੀਰਤਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਗਿਰਜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਰਤਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਗੁਰਦੁਆਰੇ 'ਚ ਕੀਰਤਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿੰਨੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਆਰਾਮ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਨਫ਼ਰਤ ਕਿਉਂ ਹੈ ਲੜਾਈ ਕਿਉਂ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਸ਼ਾਂਤੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹਾਂਜੀ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਠੱਗ ਰਿਹਾ ਮਤਲਬ ਸ਼ਾਂਤੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਤੜਫ ਰਿਹਾ ਸੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਉੱਥੇ ਪਿਆ ਪਿਆ ਜਦੋਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੀ ਜੰਕਸ਼ਨ 'ਤੇ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਨਾ ਇਦੂ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਇਦੂ ਅੱਗੇ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਵਿਚ ਆਫ ਯੂਰ ਮਸ਼ੀਨ ਬਿਲਕੁਲ ਲਾਈਫ ਸਪੋਰਟ ਮਸ਼ੀਨ ਆਫ ਕਰ ਦਿਓ ਅਤੇ ਜਾਓ ਹੁਣ ਦੋ ਹੀ ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ ਜਾਂ ਤਾਂ ਗਿਵ ਅਪ ਕਰੋ ਜਾਂ ਫਾਈਟ ਸੋ ਮੈਂ ਉਹ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਖਾਇਆ ਸੀ 5 ਸਾਲ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਉਸਤਾਦ ਤੋਂ ਸਿੱਖਦਾ ਰਿਹਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਨੈਵੀਗੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਵਿਚ ਔਨ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੈਂ ਪ੍ਰਿਪੇਅਰ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੀ ਓਨਲੀ ਪ੍ਰਿਪੇਅਰਡ ਮੀ ਫੋਰ ਐਨ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਮੈਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਕਲਿੱਕ ਹੋਈ ਮੈਨੂੰ ਸੁਣੀਏ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਗਾਵੀਏ ਅਤੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਹੈ ਉਹ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਯੂਟੀਲਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਪੈਰ ਹਿਲਾਇਆ ਸਰੀਰ ਹਿਲਿਆ ਸੁਰਤ ਆ ਗਈ ਤਿੰਨੀ ਚੌਥੀ ਦਿਨ ਹੀ ਮੈਂ ਬੈਠ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਹੈਰਾਨ ਹੈ ਤਾਂ ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਮਿਰੇਕਲ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਨੋ ਮਿਰੇਕਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਇਹ ਵੈਸਟ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਯੋਰ ਬੋਡੀ ਇਜ਼ ਅ ਸ਼ੈਡੋ ਆਫ ਯੋਰ ਮਾਇੰਡ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦਾ ਪਰਛਾਵਾਂ ਹੈ ਸਰੀਰ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀ ਇਹ ਸੋਚ ਨੂੰ ਘੱਟ ਰਿਹਾ ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਮਨ ਜਿੱਤੇ ਜਗ ਜੀਤ ਉਹ ਪਰ ਮਨ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣਾ ਕਿਵੇਂ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਟੀਚਰ ਨੇ ਸਮਝਾਤਾ ਹਾਂਜੀ ਮੈਨੂੰ ਗੀਤਾ ਬੜੀ ਪਸੰਦ ਸੀ ਯੂਨੋ ਇੱਕ ਵੋਰ ਜ਼ੋਨ ਹੈ ਮਿਡਲ ਆਫ ਦ ਵੋਰ ਇੱਕ ਕੋਨਸੈਪਟ ਹੋਇਆ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸਨੈਸ ਦਾ ਜਿੱਥੇ ਬੰਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਕਹਿਰ ਦੇ ਥੱਲੇ ਭੁਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸਨੈਸ ਦਾ ਡਾਂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਨ ਦ ਮਿਡਲ ਆਫ ਟੂ ਆਰਮੀਜ਼ ਹਾਂਜੀ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਨੂੰ ਕਸਵੱਟੀ 'ਤੇ ਪਰਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜੀ ਉੱਥੇ ਸ਼ੱਕ ਅਤੇ ਇਸ਼ਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਈਨ ਖਿੱਚੀ ਜਾ ਰਹੀ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਿਊਟੀਫੁੱਲ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕੌਨਸੈਪਟ ਪਰ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦਾ ਗਿਆ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਫਰੀਡਮ ਦਿਖੀ ਯੂ ਨੋ ਤਿੰਨ ਅੱਖਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਦਰਦੀ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਹੈਗੀ ਡਿਪੈਂਡੈਂਸ ਇੱਕ ਹੈਗੀ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ ਇੱਕ ਹੈਗੀ ਫਰੀਡਮ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਕੋਂਟੈਕਸਟ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਬੋਸ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜਲੰਧਰ ਆਣ ਕੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਖੂਨ ਦਿਓ ਮੈਂ ਆਪਕੋ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੂੰ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਪੰਜਾਬ ਧਾ ਕੇ ਪੈ ਗਿਆ ਆਜ਼ਾਦ ਹਿੰਦ ਫੌਜ ਜੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਛੱਡ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਫਰੀਡਮ ਦਿੰਦਾ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਸਿਰ ਦੇ ਦੇ
मैं तेन फ्रीडम दे देना। मैं वो फ्रीडम का है ना स्वाद चख लिया, गलती ना ही सही, पर मैं वो फ्रीडम मैं एक बारी मेरे अंदर उतर गई जी, शब्द की पौड़ी ला के उतर गई अंदर जी। मैं मेरा शरीर ठीक हो गया, मैं हैल्थीएस्ट बंदा है एंड हैप्पीएस्ट जी। मैं रोग नू मूरे मूरे भजाना आ गया, अपने आप ठीक करना आ गया, मैं अपनी स्ट्रेस नू मैनेज करना बहुत ही सौखा काम सी। मैं तो एवं उलझाई बैठा सी अपनी जिंदगी नू औखा कर लिया, अनपुणा सी ना। बिल्कुल 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 हाँ जी, ये अनपुणे च मैं अपने आप नू उलझा लिया बस। फिर मैंने फर्दर स्टडी ली शरीर दी मेरे दी एंड मेरी हेल्प करने लिए मैं बाहर भेजता, कुछ नहीं सी, एक्सरे देख लो उन्हें, टेस्ट कर लिया, वो टेस्ट कुछ नहीं होंगे। हाँ जी, पर मेरी वो जी अंदर दी लगी सी, मेरा वो जो सुनिए ते गावीए ते कॉन्सैप्ट ते मेरा मेरी सूई अटक गई जी। मैं उन्हें उतारना शुरू कर दिता एंड फिर मैं लग्या मैनू ये ब्यूटीफुल जी लाइट है ना ये मैं जरूर शेयर करनी चाहिए अपने भैन भरावान जी, ह्यूमैनिटी के वंड के छकना मेरे नानक सतगुरु जी ने कहा, तो मैं चाहिए जरूर उन्होंने वंड के छकना। सो मैं शुरू कर दिता, एजुकेशनल सैक्टर च आ गया, पढ़ा लिखा शुरू करता है। आ ही मेरा छोटा जहा सफर बहुत जी। बट ये छोटा जहा सफर जोड़ा है एक तू निशाना दे गया भी हाँ जी, आ जो मैनू गुरु नानक साहब की जो जुगती पता चली है, जुगती है जी सुनिया दी ते मनिया दी, हाँ जी, ते उसनू संभालना किवें, उसनू प्राप्त किवें करना, क्योंकि एक जो साउंड है एक नाद है, नाद है वो समाद नाल जोड़ता है। जे नाद दी ही नॉलेज नहीं, जब तक साढ़े को नाद ही नहीं आया विस्माद तक किवें पहुंचांगे। बिल्कुल, तीसरे वो वडभागी हो जिद्दां सुनिए पर हाँ जी सगल मनोरथ पूरे उत्थे, तो फिर कहानी खत्म, सारे पूरे हो गए जो मनोरथ सी, पार ब्रह्म प्रभ पाया उतरे सगल विसूरे, प्रजा रब ही मिल गया। पर वो अनहद दी स्टेज ते पहुंचा कि मैं नाद नू ते समझना होगा, नाद ही तपौड़ी है अनहद तक। जे मैनू जिहड़ी ऑडियोबल साउंड मेरा जापता नहीं है, मैं मैनू उहदे ते मेरा योग नहीं है, तो फिर मेरे तो अनहद नू ते उस थां ते पहुंचना ते मुश्किल है। तो फिर जो तुसी अगली पढ़ाई लई अगलेरी पढ़ाई लई पहुंचे यूके, हाँ जी यूके, फिर किवें तुसी यूनिवर्सिटी नाल जुड़े, यूनिवर्सिटी ऑफ वेस्ट लंडन च तुसी जॉब भी कर रहे हो, ते जिवें तुसी मैनूं दस्सिया म्यूजिकोलॉजिस्ट, मैं फर्स्ट टाइम अपनी जिंदगी च म्यूजिकोलॉजिस्ट सुने भी एक ये टर्म होंदी है म्यूजिकोलॉजिस्ट, ते इहदी जॉब भी हैगी है, ते एक ये साउंड उत्ते काम जिवें तुसी मैनूं दस्सिया काम हुंदा है साउंड उत्ते, साउंड दी भावना उत्ते, बिल्कुल भी साउंड साडियां भावनावां किवें जगाउंदी है। हां जी बिल्कुल बिल्कुल, ते इह तां श्योर है जी, जिवें एक ਡਰਾਵਣੀ ਫਿਲਮ ਦੇਖੀਏ ਤੇ ਸਾਊਂਡ ਬੰਦ ਕਰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਡਰਾਵਣਾਪਨ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਤੇ ਸਾਊਂਡ ਦੇ ਨਾਲ ਇਮੋਸ਼ਨਸ ਜਾਗਦੇ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਸਾਊਂਡ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਕਨਸੈਪਟ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ ਹੈਗਾ ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵ ਅੱਗੇ ਉਜਾਗਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਵੀ ਸਾਊਂਡ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈਲਥ ਕਿਵੇਂ ਜੁੜੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਊਂਡ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀਲਿੰਗ ਕਿਵੇਂ ਜੁੜੀ ਹੈ ਉਸ ਬਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸੋ। ਸਰ ਦੇਖੋ ਇਹ ਕਨਸੈਪਟ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਨਵਾਂ ਕਨਸੈਪਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਕਨਸੈਪਟ ਨੂੰ ਰਿਵਾਈਵ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਇਹ ਐਂਸ਼ੀਅੰਟ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਡੈਸੀਮਲ ਤੇ ਜ਼ੀਰੋ ਨੂੰ ਇਨਵੈਂਟ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਰਤ ਤੇ ਚਾਹੀਦੀ ਨਾ, ਉਸ ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਲਾਉਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਢੰਗ ਨਾਦ ਜਿਹੜਾ ਜੀ, ਹੁਣ ਬੱਚਾ ਰੋਂਦਾ ਜੀ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਊਂਡ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਊਂਡ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹਿੰਦੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਰੋ ਇਮੋਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ 22 ਜਿੱਦਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ 35 ਹੈ ਜੀ ਗੁਰਮੁਖੀ ਦੀ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਐਲਫਾਬੈਟ 'ਚ 26, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਨਾਦ ਦੇ ਐਲਫਾਬੈਟ 'ਚ ਹੈ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਐਟਰੀਬਿਊਟ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਦੇ 22 ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮੈਨੀਫੈਸਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਊਂਡ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੁੰਦੀ। ਹਾਂਜੀ, ਜੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਬਹਿ ਜਾ ਤੇ ਜਾਂ ਮੈਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਦੇ ਐਟਰੀਬਿਊਟ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦਵਾਂ ਬਹਿ ਜਾ, ਹੁਣ ਸਾਊਂਡ ਹੀ ਰਿਦਮ ਚੇਂਜ ਹੋਈ ਜੀ ਐਂਡ ਸਾਰਾ ਮਤਲਬ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਉਹ ਸਾਊਂਡ ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ ਨੂੰ ਉਹ ਫੀਲਿੰਗਸ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਮੂਡ ਕੰਸਟਰਕਟ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਕਲੋਕ ਆਫ ਲਾਈਫ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੀ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ 24 ਘੰਟੇ ਨੇ, ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਮਿੰਟ 60 ਸੈਕਿੰਡ ਹੈ, ਇਸ ਯੂ ਨੋ ਇੱਕ ਘੰਟੇ 60 ਮਿੰਟਸ, ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ 60 ਰਾਗ ਨੇ, 60 ਰਾਗ, ਹਾਂਜੀ 60 ਰਾਗ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ। ਮੈਂ ਨੋਰਮਲੀ ਸੁਣਿਆ ਵੀ 31 ਰਾਗ ਨੇ, ਹਾਂਜੀ 31 ਰਾਗ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੈਕਸ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਦੋਨੋਂ ਕੋਨਸੈਪਟਸ ਨੂੰ ਬੈਲੈਂਸ ਰੱਖ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ
जपजी ते बाद दे विच श्लोक इट टोटल जेड़ा है ना 33 चैप्टर्स च वंडिया जी राग गौड़ी ग्वारेरी राग गौड़ी चेती राग गौड़ी बरागन रागनिया नहीं रागनी सिस्टम गुरु ग्रंथ साहिब महाराज नहीं ये राग सिस्टम ही है राग इज जस्ट बेसिक इमोशन जेड़ा अंदर दी स्थिति है ता जो शब्द नु समझ आ ना जाए हंडाया जाए अच्छा सतगुरु जी ने कहा सतगुरु की बाणी सत स्वरूप है गुरबाणी बणिए गुरबाणी गौणी नहीं कीर्तन बनना बढ़ना सिमरन करना नहीं सिमरत सिमरन बढ़ना है बढ़ना फिर वो लॉजिक समझाया किद्दां करना है किद्दां करना है जदों मैं इस सैक्टर दे विच फिर मैं सिखिया सीगा मेरा हुण एयरफोर्स दा सुपना तो उड़ गया फिर मैं इस सैक्टर च अपना जोर मारिया जदों उत्थे देखिया गुरद्वारिया दे विच जिहड़ा कीर्तन दे नां ते जां गुरमुखी दे नां ते काफ़ी माफ करना लुट घसुट हो रही कह रहे ने गुरमुखी पढ़ा रहे ने पंजाबी कह रहे ने गुरमति क्लास हो रहा पंजाबी कल्चर डायस्पोरा नू एस्टैबलिश हो रहा उहदे च सिखिज़म ज़्यादा पढ़ाया जा रहा जदों सिखिज़म जी मैं आप परसनल मेरा व्यू पॉइंट है सिखी ते सिखिज़म च फर्क है ते हुण जिहड़ा हैगा तुसी साउंड नाल इमोशंस ते सारी इह गल तुसी कीती है हीलिंग नू किवें जोड़ रहे हो तुसी देखो जी जिहड़ा बंदा जदों हौका है जिहड़ा हाँ जी मैं गल करना चाहुंदा डोमेस्टिक अब्यूज दी जी यह नहीं कहना सिर्फ तो लेडीज ही अब्यूज होंगी है जेंट्स भी होंगे पर जदों अब्यूज इतना उपर चले जाता है कि बंदे तो गल ही नहीं कर पा रहे अपने दोस्त नैटवर्क सारा कट्टिया गया वो अंदर दी अंदर अंदर नसूर बनता रहा ब्रेस्ट कैंसर बन जाता बिल्कुल हाँ जी गल जदों असी देखो फॉर एग्जाम्पल ऑक्सीजन सैल्स जेडे एक एरिया ना पहुँच पाने लोड़ी मकदार अनुसार उत्थे सिस्ट बनता है उत्थे ट्यूमर बनता है बिल्कुल ओह ही गां जाके इनफेक्टिड हो सकता है तो कैंसर बन सकता है गल ही नहीं हुण गुरु अमरदास महाराज ने श्वास क्रास कराता सी तां जो जिहड़ी जिहड़ी रिदम हैगी ब्रैथ की उहनू मेनटेन रखा जाए तां जो कैंसर जां हार्टबीट दी उपर थले होना जां एंगजाइटी जां स्ट्रैस ना आवे हाँ जी सो हीलिंग जिहड़ी है ना वह शब्द नाल होएगी बिल्कुल जी उन्हां चीज़ां दी जिहड़ी क्रॉनिकल डिजीज ने क्रॉनिकल हमें दीर्घ रोग है दीर्घ रोग मीन क्रॉनिकल क्रॉनिकल है जिवें मैं गल कीती भी ईगो जिहड़ा है ना वह तो माइंड का प्रोडक्ट है ना माइंड दी शैडो जिहड़ी है बॉडी है भुगतना बॉडी नूं पैंदा बिल्कुल तो जे असी इंटरनल साइंस नूं समझ लीए गुरु नानक साहब की कहते हैं काम नूं किद्दां बैलेंस च लैके आउणा क्रोध नूं किवें बैलेंस गुरु गोबिंद सिंह महाराज तीर मारन वो दस बंदे मारे गए मूहरे तो वो वीर रस है असी मार दिए तो असी वी विल बी इन प्रिजन ठीक है साडा वीर रस किसी ने अंडरस्टैंड नहीं करना उस वो कॉन्सैप्ट कहड़ा है इसे वखरेवा क्यों है आ जिहड़ा दर्दी साहब जिहड़ा क्वेश्चन है ना क्यों क्वेश्चन एक क्वेस्ट शुरू करवाउंदा जिन्नी देर बंदे दे अंदर क्वेश्चन नहीं हैगा उन्नी देर सिख तो नहीं बन सकता सिखड़ा तो तुहानू क्वेश्चन पैदा करना पैणा हाँ जी सवाल साडे को है नहीं जवाब ही जवाब असी भरे पै अलमारियां भरिया जवाबां नाल हाँ जी वह हिंदू धर्म नहीं जी इदा नहीं आ करना चाहिए नहीं वह कर नफरतां दे बीज चक्की फिरदे असी जी हाँ जी असी सिर्फ दूसरे दे घर वल नूं चाकी जा रहे सानू चाहिए अपनी तंदुरुस्ती वल तुसीं खुश होवोंगे मैं थोड़ी संगत च रह के खुश हो जाऊंगा बिल्कुल बस गल इन्नी सी बंदा कोई जिन्ना मर्जी डिप्रेशन च होवे कोई हसदा खेड़दा मिल जाए ना बंदा कहिंदा अद्धी टेंशन तैनू देख के यार मन खुश हो गया बिल्कुल बस गुरु नानक साहब बस यही करना चाहते कहते मैनू तेनू समाइल करना देखना बिल्कुल प्रोफेसर साहब समा इजाजत नहीं दे रहा पर मैं जरूर चाहूँगा तुसी इस प्रोग्राम दे विच हल्का जिहा संगीत का झुलकारा क्योंकि संगीत दे तुसी माहर हो तो संगीत दे नाल हीलिंग भी कर रहे हो तो संगीत के इमोशनस नूं भी तुसी चंगी तरह उन्हां दी नब्ज पछाण दिओ ते साडे दर्शकां नूं इस संगीत का हल्का जिहा झलकारा जरूर दिओ जे सौ चंदा उगवै सूरज चढ़े हजार इते चानन होदया गुरबिन कोर अंधार जी ये शब्द की गल नहीं
ਇਹ ਤੇ ਅੰਦਰ ਤੇ ਮਨ ਤੇ ਆਤਮਾ ਦੀ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਹੈ। ਇਹ ਔਖਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੌਖਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਸੌਖਾ ਰੋ ਲੈਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਜਿੰਨਾ ਸੌਖਾ ਹੱਸ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਚੁੰਡੀ ਵੜਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਦਰਦ ਦੀ ਜਿੰਨਾ ਸੌਖਾ ਉਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਰਾਗ ਉਨੀ ਛੇਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਪੌੜੀ ਲਾ ਦਿੰਦਾ ਜੀ। ਨਾਦ ਤੋਂ ਅਨਹਦ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਸ਼ਬਦ। ਬਿਲਕੁਲ, ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਤੇ ਆਪ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਅਰੋਗ ਸਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ। ਅਸੀਂ ਟੀਚਰ ਕੋਲ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਾਈਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਹੋ ਸਕੀਏ। ਬਿਲਕੁਲ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਵੀ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਾਣਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਫੇਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਸੋ ਤੰਦਰੁਸਤ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਮਟੀਰੀਅਲਿਸਟਿਕਲੀ ਐਂਡ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਰੱਬ ਕਹੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਬਾਸ਼, ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਿਫਟ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਅਪਰਚੁਨਿਟੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਸਰੀਰ ਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬੱਲੇ ਬਹੁਤ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਸਤਸੰਗਤ ਮਿਲੇ ਸੋ ਤਰਿਆ, ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਸੰਗਤ ਮਿਲੀ, ਸਤਸੰਗਤ ਵੀ ਹੋ ਗਈ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਖਾਸ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਇੱਕ ਖਾਸ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਰਾਜ ਅਕੈਡਮੀ UK ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਹੋਈ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਉਹ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸਿਸ ਮਿਲੇ, ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਉਹਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣਿਆ ਹੋਏਗਾ। ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਵੀ ਇਹੀ ਚਾਹਵਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਰਹੇ। ਇਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਅਤੇ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।